प्यारे बच्चों, आज हम संसाधन अध्याय से भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और यह 6 प्रकार की मिट्टी भारत के विभिन्न राज्यों में पाई जाती है और इसके बारे में आज चर्चा करना है। तो पहली मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है, किन स्थानों पर पाई जाती है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो जिस प्रकार हम विषुवत रेखा से दूर चलते हैं तो ताप और वर्षा की विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो पर्वतीय मिट्टी में देखा जाए तो पर्वतीय मिट्टी सबसे प्राचीन मिट्टी है और इस मिट्टी का निर्माण आग्नेय शैलों से हुआ है। आग्नेय शैलों से होने के परिणाम स्वरूप इसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक पाई जाती है और कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक पाई जाने के कारण इसमें फसलों का उत्पादन सबसे कम होता है। पर्वतीय मिट्टी भारत के लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इसका विस्तार है और यह मिट्टी उत्तराखंड राज्य के नैनीताल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल जिलों में सबसे अधिक पाई जाती है और इस मिट्टी में सिंचाई की सुविधा करके धान की खेती, चाय की खेती, सूखे मेवे की खेती आदि प्रकार की फसलें पैदा की जा सकती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से पर्वतों के नीचे ऊपर जाने पर कई प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं। नीचे के ढाल पर देखेंगे तो भूरी मिट्टी, यदि इसके ऊपर जाएंगे तो हल्की भूरी मिट्टी मिलेगी। पर्वतीय भागों पर हल्की भूरी मिट्टी, मिली जुली मिट्टी मिलती है। तो यह पर्वतीय मिट्टी मुख्य रूप से चावल और सूखे मेवे की खेती के लिए उपयुक्त होती है, जो कि भारतीय मिट्टियों में सबसे पहली मिट्टी पर्वतीय मिट्टी है। दूसरी मिट्टी की हम चर्चा करेंगे, जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी के निक्षेप से बना है। उपजाऊ मिट्टी में भारत की अधिकांश फसलें पैदा होती हैं। इस तरह से यदि देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी में पूरे भारत की लगभग 50% जनसंख्या इसी मिट्टी पर निर्भर है और इस मिट्टी में धान, गेहूं, मक्का, उड़द, सरसों तमाम तरह की फसलें पैदा की जा सकती हैं। इस जलोढ़ मिट्टी में जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई है, इस मिट्टी में 2 प्रकार की और मिट्टियां मिलती हैं, जैसे खादर मिट्टी। खादर मिट्टी वह मिट्टी होती है जहाँ पर नदियों के बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुँच जाता है, ऐसी मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। फिर इसी में दूसरी मिट्टी है बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी वह मिट्टी होती है जहाँ पर नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, यानी हमारे कहने का मतलब है जिन स्थानों पर या जिन भूमि पर नदियों का पानी या और किसी स्रोतों का पानी नहीं पहुंच पाता है, ऐसी मिट्टी में छारापन आ जाता है, यानी ऊसर में तब्दील हो जाती है और ऊसर में तब्दील होने के परिणाम स्वरूप इसमें फसलों का उत्पादन सबसे कम होता है। यदि इस मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को देखा जाए तो दक्षिण भारत में किसला नदी के डेल्टाई भागों में, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किसला नदी और कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में पाई जाती हैं।
जिन भागों में बाढ़ का जल पहुंच जाता है उन भागों की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा उर्वरक होती है और ज़्यादा उर्वरक होने के कारण इसमें सभी प्रकार की फसलें पैदा की जा सकती हैं। इस मिट्टी में चूना, पोटाश, फास्फोरस, अम्ल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन मिट्टियों में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। भारत की 50% जनसंख्या के लिए कृषि कार्य द्वारा भोजन इसी मिट्टी पर उत्पन्न किया जाता है। तो ये रहा भारतीय मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी, और इस जलोढ़ मिट्टी को स्थानीय भाषा में कांप या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। तो ये रहा दूसरा। फिर तीसरा है, तीसरी मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है, और काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा व मैग्मा के ठंडा होने के परिणाम स्वरूप हुआ है। इस मिट्टी में नमी धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। इस नाते इस मिट्टी का अन्य नाम है कपासी मिट्टी। क्योंकि कपासी मिट्टी, इस मिट्टी का अन्य नाम इस वजह से रखा गया है क्योंकि इसमें कपास जैसी फसलों का उत्पादन सबसे अधिक होता है। यदि देखा जाए तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और दक्षिण मध्य प्रदेश राज्य में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें लोहा, फास्फोरस, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जीवाश्म के तत्वों की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार भारत में लगभग 5.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इस मिट्टी के निर्माण में जलवायु दशाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी कारण इस मिट्टी का विस्तार लावा पठार के अलावा उन जगहों पर भी है। इस प्रकार की मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में कुछ दोष भी हैं, जैसे सूखने पर यह मिट्टी बहुत कड़ी हो जाती है, कहने का मतलब रवेदार नहीं रह जाती है। इसमें परिणाम स्वरूप दरारें पड़ जाती हैं, और दरारों के पड़ जाने की वजह से ऊपर पानी नहीं रह पाता है। उर्वरता के कारण यह मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी है। इसमें बिना खाद डाले ही कृषि की जा सकती है। ये भारतीय मिट्टियों में तीसरी मिट्टी काली मिट्टी थी बच्चों। फिर चौथी मिट्टी है आपकी मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी थार के मरुस्थल की मुख्य मिट्टी है। इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, मक्का आदि, मूंगफली आदि फसलें पैदा की जाती है, और मरुस्थली मिट्टी को स्थानीय भाषा में कल्लार, ऊसर, थूर और राकड़ आदि नामों से जाना जाता है। इस मिट्टी में क्षारीय एवं लवण युक्त तत्वों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है तथा मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार 114 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर है। इस मिट्टी के कण असंगठित नहीं होते।
जिसमें वायु इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर आसानी से ले जाती है। इस मिट्टी में वायु और प्रकाश का प्रवेश आसानी से हो जाता है। इस मिट्टी में उपजाऊ क्षमता कम होती है। उपजाऊ क्षमता कम होने का मुख्य कारण इसमें कंकड़ और पत्थर का पाया जाना है, जो कि पहाड़ों से घिस घिस कर ढालों वाली सतहों पर चला आता है। यदि देखा जाए इस मिट्टी में मूंगफली, ज्वार, बाजरा तथा उड़द की फसलें सिंचाई की सुविधा करके पैदा की जा सकती हैं। तो ये रहा बच्चों भारतीय मिट्टी के विवरण में मरुस्थली मिट्टी चार नंबर पे। फिर पांचवी मिट्टी है लाल व पीली मिट्टी। लाल व पीली मिट्टी का रंग लाल होता है, और लाल इसलिए होता है क्योंकि गर्मी के दिनों में कैपिलरी छिद्रों द्वारा मिट्टी पर लोहे का जंग उतर आता है। जंग लगने से यह लगने लगता है कि इस मिट्टी का निर्माण उन शैलों के टूटने से हुआ होगा जिसमें लोहे का अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी का भारत में सबसे अधिक विस्तार तमिलनाडु राज्य में ज़्यादा है। यह मिट्टी उष्ण कटिबंधीय है, जो ताप्ती नदी की उत्तरी सीमा पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। ताप्ती नदी के उत्तर में बुंदेलखंड की आर्कियन शैलों से प्राप्त मिट्टी तथा असम में पाई जाने वाली काली मिट्टी का रंग भी लाल है। छोटा नागपुर का पठार उड़ीसा, राजमहल की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पूर्वी महाराष्ट्र राज्यों में लाल व पीली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। इस मिट्टी में फास्फोरस, नत्रजन तथा वनस्पति के सड़े गले अंशों का अभाव होता है। वनस्पति के सड़े गले अंशों का अभाव जिस मिट्टी में पाया जाएगा उस मिट्टी में फसलों का उत्पादन सबसे कम होता है। तो यदि देखा जाए तो उपजाऊपन की दृष्टि से यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार बाजरा की ही खेती की जा सकती है। इस मिट्टी का पीला रंग जल योजन के कारण होता है। ये भारतीय मिट्टियों में पांचवी मिट्टी थी। और लास्ट में है बच्चों लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी का रंग लाल और हल्का पीला होता है। यह मिट्टी बड़े कणों वाली होती है। बड़े कणों वाली होने के कारण इसमें उपजाऊपन कम होता है। इस मिट्टी में कंकड़ और पत्थर के टुकड़े अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और इस वजह से यह अनुपजाऊ प्रकार की मिट्टी होती है। लैटेराइट मिट्टी के प्रदेशों में जनसंख्या और वनस्पति का अभाव होता है। इस लैटेराइट मिट्टी में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और चूने का भी अभाव पाया जाता है, जो कि पौधों का मुख्य भोजन है। लैटेराइट मिट्टी दक्षिण के पठार और पहाड़ियों की मुख्य मिट्टी है। इस प्रकार की मिट्टी उष्ण कटिबंध के उन भागों में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ मानसूनी वर्षा अधिक होती है। मानसूनी वर्षा अधिक होने के कारण मिट्टी वाली सिलिका पानी के साथ बह जाती है। इसमें एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम का अंश ज़्यादा पाया जाता है।
मध्य प्रदेश के पूर्वी घाट, मालाबार तट, दक्षिणी महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजमहल की पहाड़ियों में इस मिट्टी की बहुलता है। इस मिट्टी में खाद का इस्तेमाल करके ज्वार, बाजरा, गेहूं, दलहन आदि की फसलें पैदा की जा सकती हैं। यह मिट्टी भारत के लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है। तो यह रहा बच्चों भारतीय मिट्टी के प्रकार के बारे में। ठीक।